तो भैया नीतीश कुमार ने ताकत दिखा दी, बता दिया कि बॉस तो लजना सही बात नहीं है। नीतीश कुमार के चाणक्य का कमाल कहिए या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो भी हो अब कुशवाहा जी कपारे हाथ देकर बैठे हैं। हम तो ज्यादा सीट की फिराक में थे, यहाँ तो पैरों से जमीन ही खिसक गई। आरजेडी के बाद अब नीतीश कुमार ने सीधा निशाना रालोसपा पर साधा है, पीके नामक तीर छोड़कर। और देखिए तीर ने भी अपना कमाल दिखा दिया, सीधा निशाने पर जा लगा और दो विधायक जेडीयू के पाले। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के दोनों विधायक ललन पासवान और सुधांशु शेखर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुधांशु शेखर जेडीयू में हाल ही में शामिल हुए प्रशांत किशोर से कई दिनों से संपर्क में थे और अब उन्होंने ललन पासवान के साथ जेडीयू में शामिल होने का फैसला भी कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी सीटों की जद्दोजहद में रह गए और इधर पीके ने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। नीच पॉलिटिक्स में उलझे कुशवाहा को अब अपने नीचे जमीन ही नहीं दिख रही। सोच रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, जीतने के बाद सांसद अरुण कुमार तो पहले ही साथ छोड़ गए थे, गिने चुने दो ही विधायक तो बचे थे वो भी कट लिए। अजय भारत के लिए आशीष पराशर की रिपोर्ट।